RG24 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਲਵ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ 14-15 ਸਾਲ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਲਕਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। DSP ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕੰਨ ਕਰਨਾ ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਆ ਤੇਰੇ ਛੱਡੀ ਚੱਲੋ ਛੱਡੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਰੋ ਚਤਰੋ ਚੱਲ ਮੜਾ ਜਾ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲਾਓ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਰਸੂਲਪ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
पर असी प्रशासन को मंग करते हैं भी जो भी दोषी है गुरिंदरपाल बल साहब जो एस एच ओ भवानीगढ़ लगे हुए आ उन्होंने नाल तीन होर साथी मंग करते हैं जल्दी तो जल्दी इन्हों गिरफ़्तार करके सलाखा के पिछे दिता जाए ता कि अगे तो किसी भी इस तरह एस सी एस टी या किसी भी एनी परिवार नाल इस तरह का मुसीबत का सामना ना करना पाए। सुविधा जे पुलिस गिरफ़्तार नहीं करती फिर तुहाडा अगला एक्शन की होगा? साडा अगला एक्शन पूरे जथेबंदियों के नाल असी अगे संघर्ष नूं और तेज़ करांगे। ठीक है, धन्यवाद। अज तुसीं इत्थे बीबी कुलवंत कौर दे अंतिम संस्कार पहुँचे जो पिछले लंबे समय तो इंसाफ लई तड़पदी सी तड़पदी तड़पदी ने जान देती तो पुलिस ने भावें उहदे मरण तो बाद दोषियों का मामला दर्ज किया, तुसीं इस संबंध की कहना चाहुंदे हो? सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जय भीम जय भारत। बेटी दे नाल जो बेइंसाफी हुई आ ये पुलिस प्रशासन की बहुत वड्डी नलायकी सी कि 17 साल उहनूं उडीक करनी पई ते असी पुलिस प्रशासन ने जिहड़ा थोड़ा जिहा अधूरा इंसाफ दिता है पूरा इंसाफ नहीं दिता। पुलिस प्रशासन को बहुजन समाज पार्टी की जगराऊं टीम यह मंग करती है कि तुरंत जिहड़े दोषी आ चारे उन्हां नूं फड़ के सलाखां दे पिछे सुट्टिया जाए ता कि अगे तो कोई भी व्यक्ति कोई भी अफसर किसी भी बेटी नाल किसी भी परिवार नाल कोई ऐसी घिनौनी हरकत करन दी कोशिश ना करे। भावें फैसला जिहड़ा बहुत देर बाद आया देर आए दुरुस्त आए पर जिहे जिहा फैसला चाहुंदी सीगा समाज उहे जिहा फैसला भावें नहीं आया पर जिन्ना भी पुलिस ने किया हुण पुलिस की जिहड़ी पहली ड्यूटी ये बनती है कि दोषियों को फड़ के तुरंत जेल के विच डके नहीं तो बहुजन समाज पार्टी साथी जिहड़ियां संघर्षशील जथेबंदियां उन्हां दे नाल सलाह मशवरा करके अगे जिहड़ा होगा वह संघर्ष बिटन। गालब साहब तुसीं इस केस नूं बहुत नेड़े होकर देखिया वा, थोड़ी दर्शकों नाल जानकारी सांझो, ये असल मामला की सीगा? असल मामला तो यही सीगा जी, पुलिस ने पहला तो मास्टर इकबाल सिंह जी नूं एक फर्जी मुकाबले दे विच फसाया। फसाया क्यों? क्योंकि यह बहुजन समाज दे मास्टर इकबाल सिंह कौन सीगे? ये बहुजन समाज का हिस्सा ही सीगा जी, अनुसूचित जाति नाल संबंधित सी और गवर्नमेंट जॉब ते सीगे। समाज के हकों के प्रति ये लोगों को सचेत करते लोगों ने खड़ते लड़की के की लगते इन्हों के ब्रदर सीगे ते ये जे जड़े लोग होंगे उन्होंने हमेशा ही जड़ी विप्रवादी मनोवादी सोचते अफसर वो हमेशा ही यह जे बच्चों फसा के उन्हों का कैरीयर तबाह कर कोशिश करते होंगे। उस कैरीयर के मुताबिक इन्होंने इस बेटी चक्या से बाद पुलिस थाने के नजायज़ हिरासत के रख के बहुत ज़्यादा अणमनुखी तशद्दुद किया टॉर्चर किया जिदे नाल लड़की बिल्कुल नकारा हो गई सी ते हुण बेचारी दी इह जिहड़ी आ मौत हो गई आ। 17 साल इस परिवार ने बड़ा संघर्ष किया पर इंसाफ नहीं मिलिया ते मैं तो समझदा पुलिस की भी बड़ी नलायकी है ते समाज की भी बड़ी नलायकी है भी पंजाब वर्गे उस सूबे दे विच जिथे गुरुआं की सोच आ सिख आइडियोलॉजी आ उत्थे जिही घिनौनी हरकत वापर जे ते इंसाफ ना मिले ते इंसाफ भी उदों मिले जदों लड़की अकाल चलाना ही कर जे इस दुनिया ते चले जावे तो फिर बड़ी साडे लई भी एक मैं कहना नमोशी वाली गल। तुसीं प्रशासन तो की मंग करदे हो? प्रशासन तो यही मंग करदे हां जिहड़ा दोषी है चारे जणे उन्हां नूं तुरंत फड़ के जेल च डक्कण जिहड़ी उन्हां तों बणदी होर सख्त तो सख्त जेकर कोई ऐड हो सकदी है कानूनी धारा वो ऐड कर तां कि एक मिसाल बन सके कि कोई व्यक्ति द्वारा इह जी हरकत करन दी कोशिश ना करे। एक साडे हिसाब नाल जिहड़ी इंसाफ पसंद जथेबंदियां वा बई इंसाफ लैण दे विच असफल हो रहियां वा उन्हां बारे थोड़ा की विचार है? वो देखो जी कई बार कोई मिसअंडरसटैंडिंग हो जाती है उन्होंने कोशिश तो की पर साडे स्टेट का पोलीटिकल ढांचा यह जहा जिहड़ा मतलब बहुत माड़ा सिस्टम आ साडा पोलीटिकल सिस्टम लोग सचेत नहीं पोलीटिकली सिस्टम के प्रति तां देरी होगी। ठीक, धन्यवाद।